शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। शिवराज ने दिल्ली में रामलीला मैदान में युवा संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 सीटें जीतेंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मैं आज आपको यह वचन दे रहा हूँ, पिछले लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और हमारे लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मत सोचना कि मामा कमजोर है, अभी 17 सीटों पे आ गए थे, अब फिर कम से कम 27 जीत के मध्य प्रदेश में आपको देंगे, कोशिश 29 की करेंगे। शिवराज भले ही मुख्यमंत्री बनने में असफल साबित हुए हों, लेकिन अभी भी वे प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनावों में महज चंद हफ्ते बाकी रह गए हों। हाल ही में शिवराज को बीजेपी हाईकमान ने राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। बोले वो बाद में देखा जाएगा, दिल नहीं मिले केवल हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, पर ऐसे अवसरवादी लोग जिन्होंने अपने अपने राज्य में भी जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया, जनता को छला है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जवाब नहीं हो सकता। हालांकि शिवराज पहले ही साफ कर चुके थे कि वे प्रदेश की ही राजनीति करेंगे, प्रदेश में ही जिएंगे और प्रदेश में ही मरेंगे। वहीं प्रदेश की राजनीति में बने रहने के लिए शिवराज ने नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कदम आगे बढ़ाए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी हाईकमान ने गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर शिवराज को दरकिनार कर दिया और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहने को कहा। इसके बाद शिवराज लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। यही कारण है कि शिवराज ने दिल्ली में युवा संकल्प रैली को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया।